और बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये एक्सप्रेसवे निजामुद्दीन दिल्ली से शुरू होता है। इस जंक्शन को सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। यमुना के ऊपर से दो और पुल का निर्माण करके कुल 14 लेन बनाई जाएंगी। इस परियोजना की एक विशेषता यह भी है कि दिल्ली से डासना तक 6 लेन एक्सप्रेसवे मार्ग के मध्य में होगा तथा 4-4 लेन का हाईवे इसके दोनों तरफ होगा। स्थानीय यातायात को सुगम करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर अंडरपास एवं फ्लाईओवर को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें दो लेन को एलिवेटेड किया जाएगा ताकि यातायात इस तरह चले कि दूरगामी यातायात गंतव्य तक निर्बाध रूप से लाल बत्ती पर बिना रुके पहुंच सके। इस क्षेत्र में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डासना के निकट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करती है, जहां फुल क्लोवर लीफ जंक्शन बनाया जाएगा। इस परियोजना में कुल 14 ब्रिज, 6 फ्लाईओवर, 22 व्हीकुलर अंडरपास, 1 रेलवे पुल एवं 8 भूमिगत पैदल पारपथ तथा 12 ऊपरगामी पैदल पारपथ का निर्माण किया जाएगा। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पूर्ण रूपेण नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। दिल्ली से डासना तक 6 लेन हाईवे बनाई जाएगी, जिसके दोनों साइड दो दो लेन की सर्विस रोड होगी, जिसमें पिलखुआ पर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग मध्य में एक पिलर पर बनाया जाएगा। डासना से मेरठ तक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जा रहा है। मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस मार्ग पर वे साइड एमिनिटीज भी डेवलप की जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, वाहन मरम्मत सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आराम गृह आदि जैसी सारी सुविधाएं होंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास द्रुत गति से होगा।